दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार और जिसका नाम है डिटेगरी। तो आज हम लोग बात करेंगे सैमसंग A8 प्लस जो फोन है उसकी कुछ बैड या कुछ ऐसे फीचर जो उसमें और होने चाहिए या कुछ ऐसी चीजें जो उसमें होनी चाहिए थी उस फोन को और ज्यादा परफेक्ट बना देती वो चीजें, वो फोन और भी ज्यादा बेस्ट। वैसे अभी भी उस फोन में कुछ ऐसे फीचर्स है जो अभी तक किसी में देखने को नहीं मिले हैं, और मिले भी हैं तो उस टाइप से नहीं मिले हैं। जैसे कि पहली चीज जो डुअल कैमरा वाली था, जैसे जो फोर कैमरा कंपनी जो थी ऑनर, उस वैसे ही सैमसंग ने भी अब दे दिया है फ्रंट में भी डुअल कैमरा, और ओप्पो के पास भी है। अब सैमसंग ने भी फ्रंट में दो कैमरे दे दिए हैं। तो ये जो चीज है ये सैमसंग लेके आई एक नई चीज। सैमसंग का ये पहला फोन था जिसमें फ्रंट में दो कैमरे थे, दो कैमरे हैं, और ये आपको फोन 20 तारीख से आपको हर जगह सेल में आ जाएगा, आपको मार्केट में मिलने लगेगा। तो उसी के साथ साथ इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो मेरे हिसाब से इसमें होने चाहिए थे बट इसमें नहीं है, और इसमें होते या इसमें कुछ चीजें ऐसी जो इसमें होती वो इस फोन को और भी ज्यादा परफेक्ट बना देती। तो चलिए उन तीन चीजों की तरफ बात करते हैं। उन तीन चीजों में सबसे पहले जो इसकी 18.9 वाली डिस्प्ले है, 6 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो इसमें देते हैं वो बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, और बहुत ही अच्छी उसमें जो साइड एजेस है उनको कवर अप किया गया है। बट जैसे कि इस फोन को कॉम्पिटिशन में रखा गया है डायरेक्ट OnePlus 5T के, तो जब OnePlus 5T के कॉम्पिटिशन पे रख रहे हैं तो जो चीजें हैं उससे कम तो बिल्कुल ही देनी चाहिए, या तो फिर उसके बिल्कुल जितना उसमें दे रखा है उतना इसमें भी दिया जाए, या फिर उससे मतलब थोड़ा सा ज्यादा दिया जाए। फिलहाल कम अगर रखेंगे तो कॉम्पिटिशन किस बात का, कॉम्पिटिशन सिर्फ इस बात का है कि वो सैमसंग है ये वन प्लस है, तो फिर इस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। जो कंपनी बेस्ट फीचर दे रही है उस कंपनी के फोन बिक रहे हैं, चाहे वो वन प्लस हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वो बेस्ट फोन नहीं देगी तो उसका फोन नहीं सेल आउट होगा, बेस्ट फीचर नहीं देगी तो सेल आउट नहीं होगी मार्केट में। इस बार अब इस टाइम पे ढेर सारे ऑप्शन है, बहुत ही सारे ऑप्शन है हर सेक्टर में। आजकल तो 5000 का फोन लेने जाओ तो उसमें भी आपको 10000 ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको क्या चीज चाहिए। तो इसी का, और ये तो तब भी 32990 या 32000 या 33000 रुपए का सवाल है, और वन प्लस से सिर्फ 9 रुपए सस्ता है ये फोन। तो 9 रुपए सस्ते में कोई फीचर कम हो तो ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, 9 रुपए तो हम वैसे भी छोड़ देते हैं दुकानी वाले पे। तो इसीलिए जो इसकी इंच और हेड है, चिन और हेड जिसको हम कहते हैं, मतलब ऊपर का और नीचे का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और वन प्लस का काफी कम है। तो मेरे हिसाब से जो 32000 रुपए का जब कोई फोन लेता है, हम कोई 10000 वाला या 15000 वाला 18.9 वाली डिस्प्ले तो ले नहीं रहे, जहां पे हम इंच और हेड, चिन और हेड में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे या साइड बाय साइड में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो 18.9 वाली डिस्प्ले तो पर वो वाली मतलब होता है ना कि 32000 वाली फीलिंग नहीं आती है, लग रहा है कि नॉर्मल सुपर एमोलेड डिस्प्ले आजकल तो सैमसंग अपने J7 और इन सब फोनों में, या J7 जो प्लस था इसका प्रो है उसमें भी दे रखी है, और जितनी उसमें मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत कम होगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। इस वजह से जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो पीछे दे रखा है, बट अब इधर पे भी एक चीज की कमी है जो वहां पे है और यहाँ पे नहीं है। फ्रंट में आप कितने भी बढ़िया कैमरा दे दो बट बैक कैमरा ही रहेगा, रियर कैमरा ही रहेगा। हाँ, हालांकि सेल्फी का जमाना है बट इतना भी नहीं किया बैक कैमरा ही गायब कर दो। तो बैक में इन्होंने सिंगल लेंस वाला कैमरा कर दिया है। वैसे सैमसंग का कैमरा बहुत बढ़िया होता है, इसकी जो लेंसेज होती है बहुत अच्छी होती है, इनकी जो कलर इफेक्ट निकालती है वो बहुत बढ़िया निकालती है, लेकिन सबको ये चीज नहीं पता होती कि इसकी लेंस ये है तो इसका कलर ज्यादा आ गया, इसमें जो अपर्चर है वो 1.7 का है। तो पहली बात तो किसी को अपर्चर ही नहीं पता होता, या मार्केट में जब ये फोन आते हैं तो इतनी सारी नॉलेज नहीं होती, बस ये होता है कि हाँ इसमें डुअल कैमरा दे रखा है, इतने इतने मेगापिक्सल का दे रखा है तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का जो बैक कैमरा दे रखा है, जो लेंस है वो सिंगल लेंस वाली है, LED फ्लैश, नीचे इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डुअल कैमरा लेंस होना चाहिए जिससे ये फोन मार्केट में थोड़ी और पकड़ जमाता, और सैमसंग जो डुअल कैमरे वाला लेके आता वो इस सीरीज में भी लेके आता तो ये चीज और भी ज्यादा बढ़िया रहती, और मतलब इतने सस्ते में अगर सैमसंग के डुअल कैमरा लेंस मिल जाए बैक में तो चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी आती। फ्रंट एस बैक कैमरे को हम एज ए सेल्फी कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन फ्रंट कैमरे को कभी बैक कैमरा या रियर कैमरे की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें होती है जिसको हम इग्नोर नहीं करते, या तो इन चीजों को हम बहुत देखते हैं, और इंडिया में तो जो दिखता है वही बिकता है। उसी के साथ साथ जो एक चीज मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी,
और वो मैं इसमें बता रहा हूँ। वैसे इसमें फोन में बहुत ही मुश्किल था इसमें कुछ कमियां निकालना या इसमें कुछ ऐसे फीचर ढूंढना जो कम हो, क्योंकि इसमें आपको सभी कुछ मिलता है। 3,500 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग मोड, फिंगरप्रिंट सेंसर, बहुत ही अच्छी डिजाइन, एक अच्छी एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि बहुत ही अच्छे कलर इफेक्ट निकालती है। और जो लास्ट चीज जिसमें इसमें मुझे कम लगी वो मुझे इसका प्रोसेसर जो कि एक्सिनो का है 7883, तो ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी। इसमें मेरे हिसाब से इसमें स्नैपड्रैगन का 845 जो नया वाला है वो होना चाहिए था, जिससे ये फोन इस जगह पे बिल्कुल लीड बनाता और बहुत ही बढ़िया निकल के आता। क्योंकि 845 है वो एकदम ब्रांड न्यू प्रोसेसर है और वो बहुत ही अच्छा इस टाइम पे माना जा रहा है। तो वो प्रोसेसर अगर इसमें होता तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ ये फोन आता, बहुत ही अच्छी मार्केट में नंबर कमाता। तो बट इसमें ये चीजें नहीं है, लेकिन तब भी फोन सैमसंग का है, जरूर बिकेगा, बहुत ही अच्छा फोन है, कोई कमी नहीं। फ्रंट में 13 MP प्लस 8 MP, सॉरी 16 MP प्लस 8 MP का कैमरा दे रखा है। 13 है या 16 आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज में, तो कमेंट करके बताना। फिलहाल 13 या 16 के बीच में ही है जो भी है। तो डुअल लेंस कैमरा दे रखा है फ्रंट में, मतलब फ्रंट की सेल्फीज अब जो होंगी वो DSLR होंगी। मेरे हिसाब से सेल्फी में जब लेते तो सिंगल में जब होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, और बैक में जब ग्रुप होता है अगर तुम्हें DSLR मतलब तुम्हें ब्लर कर दिया पीछे वालों को, तुम पे फोकस कर दिया पीछे वालों को ब्लर कर दिया, तो सेल्फी बेकार हो जाएगी। तो इस चीज की इतनी जरूरत नहीं थी फ्रंट कैमरे में अभी, क्योंकि फ्रंट कैमरा जो होता है 13 MP का फ्रंट कैमरा देते हैं और बैक में या 13 या 16 MP प्लस 8 MP का दे देते तो वो चीज बहुत ही अच्छी होती पोर्ट्रेट मोड जैसे आई। फिर ना ये होता है सैमसंग का फोन है, बढ़िया कैमरा है, मतलब मजा ही आ जाता है उस चीज में। फिलहाल सैमसंग कैमरे बढ़िया तो होते हैं, लेकिन डुअल कैमरा ही रहेगा। और जो एक हार्डवेयर पे होता है वो हार्डवेयर का वर्क हार्डवेयर ही का होता है, और जो सॉफ्टवेयर के वर्क होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वर्क में काफी डिफरेंस होता है। तो इसीलिए बैक में एक कैमरा लेंस होनी थी, 18.9 वाली स्क्रीन है जो और ज्यादा कम होनी चाहिए थी, और इसमें प्रोसेसर जो है वो उसका दूसरा या स्नैपड्रैगन का 845 होता तो मजा आ जाता है इस फोन में। लेकिन फिर भी ये फोन बहुत ही बढ़िया है, जो भी आया 20 तारीख से इसको सेल स्टार्ट होगी, इसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है मार्केट में वो भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल तो बहुत बिकने वाला है फोन, बहुत बिकने वाला है फोन, ये तो बाद में पता चलेगा, कंफर्म नहीं है कि बिकेगा या नहीं बिकेगा। सैमसंग की जो ए सीरीज है वो इतनी फेमस रही नहीं है अभी तक, जियो के टाइम के से पहले छोड़ के और जियो के टाइम के बाद छोड़ के, क्योंकि जियो का जब सिम आया था तो उस टाइम पे जियो ने ए सीरीज पे ही ऑफर्स दिए थे, ए सीरीज और जे सीरीज पे। तो सैमसंग की जे सीरीज काफी ज्यादा चली थी और ए सीरीज भी चली थी, बट इतनी नहीं चली थी क्योंकि उसके फोन 21 से स्टार्ट होते हैं, 30-32 पे खत्म होते हैं, तो उस रेंज में वो फीचर्स नहीं मिल पा रहे थे तो शायद किसी को चाहिए थे। और यहाँ पे जो वन प्लस थी ये सारी कंपनियों ने अपनी पकड़ बना ली थी, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े से मार खा गए थे। देखते हैं ये फोन क्या करता है, क्या नई चीज लेके आता है सैमसंग के लिए, कुछ नया मार्केट खड़ा करता है या नहीं करता, वो तो आगे ही पता चलेगा 20 तारीख के बाद। सो ये थी कुछ वीडियो सैमसंग A8 Plus के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये दो वीडियो देखना बिल्कुल मन लगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय।